गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूँ आप सब बच्चे होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए हम लाए हैं इंटर एग्जाम 12th क्लास के साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने समय को बचाते हुए प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक वृद्धि से निर्धारित होता है? ए नंबर में लगभग 60%, बी नंबर लगभग 70%, सी नंबर लगभग 80%, डी नंबर लगभग 100%। सही आंसर बी नंबर लगभग 70%। अगला प्रश्न है, आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को क्या कहा जाता है? ए नंबर व्यक्तित्व, बी नंबर मूल्य, सी नंबर अभिरुचि, डी नंबर अभिक्षमता। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, थर्स्टन के अनुसार वृद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? ए नंबर में दोस्तों 5, बी नंबर में 6, सी नंबर में 7 और डी नंबर में 8। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर 7। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी क्या है? ए नंबर फ्रायड, बी नंबर यंग, सी नंबर ऑलपोर्ट, डी नंबर क्रिसमर। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर ऑलपोर्ट। अगला प्रश्न है, किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संपर्यत दिया है? ए नंबर फ्रायड, बी नंबर मैकिनले, सी नंबर रोजर्स, डी नंबर एडलर। सही आंसर है सी नंबर रोजर्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति नहीं है? नंबर मनोविदलता, बी नंबर चिंता विकृति, सी नंबर बाध्य विकृति और डी नंबर दुर्भिन्ति। सही आंसर है ए नंबर मनोविदलता। अगला प्रश्न है, 12 आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? ए नंबर अनुकूलन, बी नंबर बर्न आउट, सी नंबर समायोजन और डी नंबर खिंचाव। सही आंसर है सी नंबर समायोजन। अगला प्रश्न है, दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? ए नंबर दुश्चिंता, बी नंबर प्रतिबद्धता, सी नंबर चुनौती, डी नंबर नियंत्रण। सही आंसर है ए नंबर दुश्चिंता। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद एक अनवैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों के महत्वपूर्ण कारण है? ए नंबर में है हिपोक्रेटस, बी नंबर हिपोक्रेटस, बी नंबर जॉनवेयर, सी नंबर सुकरात, डी नंबर गैले। सही आंसर है बी नंबर जॉनवेयर। अगला प्रश्न है, कुंठा आक्रामकता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए नंबर एफ पल्स, बी नंबर जॉन डोलार्ड, सी नंबर इरिक वर्नी, डी नंबर उपरोक्त सभी। सही आंसर है बी नंबर जॉन डोलार्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरणीय कारक नहीं है? ए नंबर शोरगुल, बी नंबर वायु प्रदूषण, डी नंबर आर्थिक स्थिति, डी नंबर भीड़ भाड़। सही आंसर सी नंबर आर्थिक स्थिति। अगला प्रश्न है, समूह जिसमें सर्वाधिक एकता होती है उसे क्या कहते हैं? ए नंबर बारह समूह, बी नंबर अंत समूह, सी नंबर गतिशील समूह, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बी नंबर अंत समूह। अगला प्रश्न है, वृद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? ए नंबर बिने, बी नंबर स्पीयरमैन, डी नंबर थॉर्मसन और डी नंबर गिलफोर्ड। सही आंसर ए नंबर बिने। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में किसने बांटा है? ए नंबर क्रिसमर, बी नंबर यंग, सी नंबर सेल्डन, डी नंबर गिलफोर्ड। सही आंसर बी नंबर यंग। अगला प्रश्न है, मानवतादी उपागम के प्रतिपादक कौन है? ए नंबर बी एफ स्किनर, बी नंबर अल्बर्ट बंडूरा, सी नंबर जॉर्ज केली और डी नंबर अब्राहम मैस्लो। सही आंसर है डी नंबर अब्राहम मैस्लो। अगला प्रश्न है, एक लड़की का अपने पिता से कामुक लगाव तथा अपने माँ का स्थान लेने की इच्छा को क्या कहते हैं? ए नंबर इलेक्ट्रा या
मनोग्रंथि और बी नंबर ओडिपस या मर्त मनोग्रंथि और सी नंबर जीवन परवृत्ति डी नंबर मृत्यु परवृत्ति। सही आंसर है ए नंबर इलेक्टर या प्रीत मनोग्रंथि। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का अग्रणी कौन है। ए नंबर गॉर्डन ऑलपोर्ट बी नंबर रेमंड केटेन सी नंबर एच जे वर्नर डी नंबर सिल्डर। सही आंसर है ए नंबर गॉर्डन ऑलपोर्ट। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है इड आधारित है ए नंबर वास्तविकता के सिद्धांत पर डी नंबर नैतिकता के सिद्धांत पर सी नंबर सुखेप्पा के सिद्धांत पर डी नंबर सामाजिक सिद्धांत पर। सही आंसर है सी नंबर सुखेप्पा के सिद्धांत पर। तो ये था दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास के फिलोसफी के कुछ विभाग प्रश्नोत्तर। दोस्तों आज इतना ही तक रखिए, मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।